एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं निदा और मैं आज आप सभी को बताने जा रही हूं गर्भ में बेटा होने का एक सटीक लक्षण। यानी कि देखिए, बहुत सारी लेडीज होती हैं जिनको जानने की इच्छा होती है लेकिन उनका इरादा अगर गलत है तो ऐसी वीडियोज ना देखें। सिर्फ बेटा ही चाहिए या बेटी ही चाहिए, लेकिन अगर आप सिर्फ अनुमान लगाना चाहते हैं, आप सिर्फ इसलिए जानना चाहते हैं कि आने वाले बच्चे की तैयारियां शुरू कर सके, तो उनके लिए ये है, तो आप आसानी से अनुमान लगा सकते हैं। चलिए शुरू। तो फ्रेंड्स देखिए, गर्भ में लड़का हलचल करना कब शुरू करता है, तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके घर में बेटा है या फिर बेटी। देखिए फ्रेंड्स, लिंग निर्धारण करना कानूनी अपराध है लेकिन हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। तो क्या होता है उसमें मैं आपको बताऊंगी। जो नॉर्मली जो बेबी होता है, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, वो 3 से 5 महीने के बीच में हलचल करना शुरू कर देते हैं। तो माना जाता है अगर बेबी बॉय होता है तो वो 3 से 4 महीने के बीच में हलचल नहीं करता है, वो 5 महीने में हलचल करना शुरू करता है। जो लड़की होती है वो जल्दी हलचल करना शुरू कर देती है, आपको जल्दी हलचल फील होने लगती है, लेकिन मोमेंट्स जो बेबी के मोमेंट्स होते हैं वो आपको जल्दी 3 से 4 महीने के बीच में अगर मोमेंट्स फील हो रहे हैं तो माना जाता है कि गर्भ में बेटी है। अगर 5वें महीने से मोमेंट्स होना शुरू होते हैं, आपको 5वें महीने में मोमेंट्स यानी कि बच्चे की हलचल फील हो रही है, तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि गर्भ में बेटा है। तो फ्रेंड्स इससे हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, इससे हम कन्फर्म नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।